नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ जुयाल। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रियलिटी मीडिया के शो में। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर नवीन सिंह जी, जो कि आम्रपाली ग्रुप में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। आप बताइए, आपने आम्रपाली ग्रुप में जो ये इन्वेस्टमेंट की है, आपने कौन से ईयर में करी थी? मैंने की थी 2011 में। ओके, तो सर उन्होंने उस टाइम पोजीशन डेट क्या मांगी थी? आप उन्होंने बोला था कि मुझसे 3 साल बाद आपको जो है इसका पोजीशन दे देंगे। अच्छा, और आप सर अभी कितने टाइम से वेट कर रहे हैं सर इसको? मैं इसको मतलब अगर जो मैं 3 साल की बात करता हूँ, तो 3 साल में फिर एक प्रॉब्लम भी आई थी एक्सटेंशन में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें करीब 1 साल का उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि एक कूल पीरियड उन्होंने डाल दिया था। हाँ जी। तो मैं उसको समझ लिया 2010 से वेट कर रहा हूँ लगभग, कि मेरे को मतलब 11 से था, 2010 से मैंने प्लान किया था इसको। और मैं बात करता हूँ तो मैं पोजीशन की जो वेट कर रहा हूँ, बेसिकली पोजीशन की जो वेट कर रहा हूँ, मैं 14 से वेट कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाएगा, लेकिन अभी 14 से और अभी तक नहीं मिला मेरे को। तो सर अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं, ये आपका रेंटेड हाउस है? रेंटेड हाउस है। आपका रेंट भी जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। सर आपने ये जो पेमेंट करा था अपने फ्लैट के लिए, ये आपने लोन लिया था सर? लोन लिया था, बिल्कुल लोन लिया था। तो सर उसकी भी EMI जा रही होंगी? EMI कंप्लीटली जा रही है मेरी उसकी। तो सर कैसे महीना में उसके? इट इज वेरी टफ टू मैनेज, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब 4 साल के लिए सोचा गया था कि हाँ चलो किस तरह से मैनेज कर लेंगे, मगर अब ये बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ रहा है, 3 साल और ज्यादा फालतू हो गए। इट इज वेरी हार्ड फॉर मी राइट नाउ। सर श्योर सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो सर आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ? मैंने लीगल एक्शन लेने की सोची थी, बट आई थॉट कि एक अगर जो मैं सिंगल आता हूँ, मैं 2-3 बार ट्राई भी मारी मेरे ग्रुप के साथ जुड़ के, मगर मुझे वहाँ कुछ मिला नहीं। अब आपके ऐप से कॉन्टेक्ट हुआ है तो आई होप सर बिल्कुल हम आपकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे सर इस चीज के लिए। तो सर आपने जैसे ये इन्वेस्टमेंट करा, तो आप अभी जॉब करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। ओके, तो सर आपके लिए काफी टफ होता होगा मतलब इसको मतलब आगे रिप्रेजेंट करना, अगर लीगल टर्म्स में अगर आप जाते हैं। हाँ, एक तो मुझे लीगल्स की ज्यादा जानकारी नहीं है कि लीगल टर्म्स में कैसे जाना है। जी। दूसरा, मैं क्योंकि प्राइवेट जॉब्स के अंदर हूँ, मैं अपनी जॉब्स को ज्यादा ध्यान दूंगा। जो भी मेरा एक खाली अर्निंग मीडिया है, तो अब उसको छोड़ के मैं सिर्फ एक रियलिटी मीडिया के लिए जाऊँ। और ऊपर से शायद आजकल लोगों के अंदर ये भी है कि आप कितना भी कोर्ट के अंदर चले जाओ, कितना कुछ कर दो, इट्स टेक टू मच टाइम। और ऊपर से आम्रपाली वाले साफ साफ बोलते हैं, आप कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं हुआ, हम 2 साल से, और अभी 1 महीना पहले बात हुई थी तो बोलते हैं 2 साल से पहले आपको पोजीशन दे देंगे। मतलब अभी तक ऑलरेडी वो 3 साल लेट हैं, उसके बाद भी बोलते हैं 2 साल बाद हम आपको पोजीशन देंगे, और उसका भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जी सर। और सर आपने साइट विजिट करी है जो आपका वो था? मैंने 6 महीने पहले मतलब मैंने 3-4 बार विजिट करी, लेकिन 3-4 बार से मुझे एक बार ऐसा लगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा है, लेकिन उसके बाद से कभी के लिए लगा कि कंस्ट्रक्शन चल रहा बंद है। इनफैक्ट वो खुद ही बोलता है कि हमने तो कंस्ट्रक्शन बंद कर रखी है। अच्छा, आम्रपाली के एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही है एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अगर वो अपने हक के लिए लड़ना भी चाहता है तो वो कैसे लड़ेगा? वो अपना काम करेंगे रोज का, या फिर वो रोज रोज की लड़ाइयों में इसके अंदर इंडल्ज होंगे? ऐसी रियलिटी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे, देखते रहिए रियलिटी मीडिया।